नाउ अब देखते हैं हम बीजांड की संरचना। बीजांड देखिए, ओव्यूल जिसे हम लघु बीजाणुधानी की तरह, जैसे हमने पराग कोष को लघु बीजाणुधानी के रिजेंबल माना था, ऐसे ही यहाँ बीजांड जो है वो गुरु बीजाणुधानी की तरह से है। अभी आपने देखा था कि हमारे पास में एक अंडप था, अंडप में क्या होता है बीजांड, अंडप को कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण, ठीक है, बीजांड को कहते हैं गुरु बीजाणुधानी, ठीक। तो यहाँ हम बीजांड की संरचना देख रहे हैं। देखिए बीजांड की संरचना के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो हमें ये फोकस करना होगा इस पॉइंट को कि जो मैक्सिमम आवर्त बीजी हैं कितनी, लगभग 82% जो पादप कुल होते हैं उन 82% पादप कुलों में प्रतीप प्रकार का या एनाट्रोपस प्रकार का क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। इस बात को समझिएगा, क्यों ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने जो ये डायग्राम ड्रॉ किया है ये किस प्रकार का बीजांड है, प्रतीप प्रकार का बीजांड है या एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड है। ओके, सो 82% पादपों में इस प्रकार का बीजांड पाए जाने के कारण यहां पर हम एक प्रारूपिक बीजांड के रूप में जो संरचना का अध्ययन करेंगे वो संरचना एक प्रतीप प्रकार का या एनाट्रोपस टाइप का बीजांड होता है। ओके, सो देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देखते हैं, आप सबसे पहले इस संरचना में हम देखेंगे कि बीजांड कहां स्थित होता है। पहली बात, बीजांड अंडाशय में, इमेजिन करके देखिए, हमने पहले भी एक डायग्राम ड्रॉ किया था इस तरह से, ये स्ट्रक्चर है, ये एक पिस्टिल है, अ यूनिट ऑफ अ फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज पिस्टिल, स्त्री केसर है जिसका ये जो नीचे वाला आधारी फूला हुआ भाग जो है ये क्या है, ये अंडाशय है, क्या है ये भाग, अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर, यहां इस अंडाशय के अंदर इस तरह से अंडाशय के अंदर ये इस तरह से क्या लगा हुआ है, ये ओव्यूल है, ठीक है। तो पहली बात, बीजांड कहां स्थित होते हैं, बीजांड अंडाशय में स्थित होते हैं, राइट, समझ में आ गया। अब दूसरी बात ये कि एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या कितनी हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है या उससे अधिक हो सकती है। तो अंडाशय में, एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड पाए जा सकते हैं। तीसरी बात ये कि किसी अंडाशय में जो बीजांडों की व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं, राइट। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम पढ़ेंगे इसको कि प्लेसेंटेशन किसे कहते हैं। वैसे आप प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हैं प्लेसेंटेशन, तो यहां पर बात क्या आ रही है, अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था या विन्यास को प्लेसेंटेशन या बीजान्यास कहते हैं। क्यों, क्योंकि बीजांडों की संख्या एक भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है। ओके, सो देखिए बीजांड अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था या विन्यास को, अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था या विन्यास को क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास कहते हैं। आप एक प्रारूपिक बीजांड को देखते हैं तो उसकी संरचना आप पाएंगे कि उसकी संरचना कैसी होगी, या तो गोलाकार संरचना होगी या ओवल शेप या अंडाकार संरचना होगी, ठीक। और देखिए एक बीजांड के अंदर, ये बीजांड है और ये बीजांड का व्रंत है, ये एक व्रंत या स्टॉक नुमा संरचना है जिसकी सहायता से ये अंडाशय के साथ चिपका रहता है, जुड़ा रहता है, और इस संरचना को कहते हैं बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत।
फनिकल या फ्यूनिकल, राइट। अब आप इमेजिन करके देखिए कि ये अगर बीजांड है इस तरह से, ये इसका ऊपर वाला एपिकल पोर्शन है और यहां पर ये अंडाशय, सॉरी ये अंडाशय है, ये अंडाशय है और इसके अंदर ये बीजांड लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि अंडाशय के अंदर बीजांड जिस गद्दीनुमा संरचना से जुड़ा रहता है, जिस गद्दीनुमा संरचना से जुड़ा रहता है, उस संरचना को प्लेसेंटा या अपरा कहा जाता है, ठीक है। और अपरा आपने एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है या एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है, सॉरी एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ा है कि प्लेसेंटा वो संरचना होती है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है, राइट। तो यहां पर भी वही बात है कि प्लेसेंटा वो संरचना है, वो गद्दीनुमा संरचना है जिसके साथ में बीजांड जुड़ा रहता है। ओके, सो आपको ये बात अपने लिए समझनी है। नाउ नेक्स्ट बात सुने, अब एक प्रारूपिक बीजांड की अगर हम संरचना को देखते हैं तो उस प्रारूपिक बीजांड की संरचना में कौन कौन से भाग देखने को मिलते हैं, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो क्या है, फ्यूनिकल या बीजांड व्रंथ। एक साधारण सी बात कहें तो बीजांड का वह डंठल नुमा भाग या वह स्टॉक शेप या स्टॉक नुमा संरचना जिसके साथ वो अंडाशय से जुड़ता है, उस संरचना को हम बीजांड व्रंथ या फ्यूनिकल कहते हैं। सो वो क्या है, एक व्रंथ नुमा संरचना है जो अपरा से बीजांड को जोड़ती है, ठीक। अब उसके बाद में एक बात और, बीजांड व्रंथ से अपरा, बीजांड व्रंथ से अपरा से पोषण प्राप्त करने के लिए एक ऊतक व्यवस्थित रहता है जिसे हम कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। सो देखो आप इस संरचना के अंदर आप देखेंगे कि ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये संरचना, ये ब्लू कलर की जो संरचना दिख रही है, इस संरचना को बोलते हैं संवहन रज्जु, संवहन रज्जु, वैस्कुलर स्ट्रैंड। ये संवहन रज्जु यहां पर नीचे की तरफ अपने आधार में प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और ये इसकी होल स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है, राइट। सो ये फनिकल हो गया व्रंथ। अब देखिए दूसरी बात, यहां एक 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 नाम और है रैफे, एक स्ट्रक्चर और होती है जिसे बोलते हैं रैफे, रफे या रैफे। क्या होती है रैफे या रफे, देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक उभार या संधि संरचना है या संधि रेखा है। रफे या रैफे क्या है, एक उभार है या संधि रेखा है जो नाभिका के ऊपर की ओर बीजांड व्रंथ की अतिवृद्धि, बीजांड व्रंथ की अतिवृद्धि है, यह एक अनुलंब उभार होता है। सो आप इस डायग्राम के अंदर देखें, ये जो उभार होता है, यहां ये जो उभार दिख रहा है आपको, ये वाला उभार, ठीक है, ये बीजांड व्रंथ है, इस बीजांड व्रंथ की अतिवृद्धि के कारण ये जो उभार दिखाई देता है आपको यहां, या मैं इसको यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये वाला, ये जो उभार है, ये वाला उभार, इस उभार को बोलते हैं क्या, इसको रैफे कहते हैं, ये उभार जो है इसको रैफे कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं तीसरा भाग जो इसके अंदर आता है, उसका नाम है नाभिका, या ये मैं इस जगह को नाभिका नाम दे दिया मैंने, ये है नाभिका जिसे बोलते हैं हाइलम, ठीक है, ये क्या है रैफे, ठीक है। अब हाइलम, हाइलम क्या है, हाइलम वो स्थान है जहां पर बीजांड व्रंथ बीजांड के साथ जुड़ता है, राइट। सो सुनिए देखिए, वह स्थान जहां बीजांड व्रंथ बीजांड से जुड़ा रहता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को हम हाइलम या नाभिका कहते हैं, क्लियर है। बोर्ड में ऐसे वेरी शॉर्ट ऑफ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज फनिकल, व्हाट इज हाइलम, सो आप इनको बहुत अच्छे से देखें, ये टर्म है, ये एक सिंगल लाइन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो आप इन पर थोड़ा सा ध्यान से समझें कि क्या क्या चीजें होती हैं। नाउ सो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया,
नाउ अब हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ आप जाते हैं तो देखिए सबसे पहले जो बीजांड का जो आउटर मोस्ट भाग होता है उसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण। इंटेग्यूमेंट के आधार पर बीजांड तीन प्रकार के होते हैं, अध्यावरण के आधार पर बीजांड तीन प्रकार के होते हैं। कुछ बीजांड ऐसे होते हैं जिनमें अध्यावरण अनुपस्थित रहता है, कुछ बीजांड ऐसे होते हैं, ऐसे हो सकते हैं जिनमें जो अध्यावरण है वो सिंगल रहेगा, एक अध्यावरणी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दो अध्यावरण भी पाए जाते हैं, मतलब जिनके अंदर हाँ डबल, समझे, डबल इंटेग्यूमेंटल रहता है। सो यहां पर आप देखते हैं इसकी इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको एक द्विअध्यावरणी बीजांड दिखा रहा हूं, जिसमें बाहर की तरफ आप बाहर की तरफ देखेंगे कि ये जो दिख रहा है आपको ये है बाह्य अध्यावरण, आप इसको देख रहे हैं ये है बाह्य अध्यावरण, ठीक है, इसे आप बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, राइट। इसके नीचे की तरफ जो दूसरा जो दिख रहा है ये बाहर वाला ये हो गया, इसके अंदर जो दिख रहा है वो क्या है, इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। सो मतलब पहला पार्ट हो गया, दोनों को मिला के मैंने क्या कह दिया, ये है अध्यावरण, अध्यावरण ये हो गया अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट, राइट। अब आप अध्यावरण से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो अध्यावरण से अंदर की तरफ प्रवेश करने पर आपको जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगी उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये जो अंदर आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं बीजांड न्यास, सॉरी बीजांड काय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूसेलस, न्यूसेलस बीजांड काय, राइट। सो थर्ड पार्ट मैंने इसको बना दिया बीजांड काय को, बीजांड काय न्यूसेलस। बीजांड काय क्या है, पहली बात ये जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया कैसा है, एक मृदु ऊतकीय पोष ऊतक है, ये एक मृदु ऊतकीय पोषक ऊतक है, और ये मृदु ऊतकीय पोषक ऊतक क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। सो देखिए मृदु ऊतकीय पोष ऊतक होता है, इसकी खास बात होती है इसकी प्लॉयडी जो होती है वो 2n होती है, मतलब इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आप ध्यान रखिएगा इस बात को, इसकी प्लॉयडी या गुणिता कैसी होती है, 2n द्विगुणित होती है, पोष ऊतक होता है। सो डेफिनेटली ये पोष ऊतक है तो क्या काम करेगा, पोषण प्रदान करने का काम करेगा, मृदु ऊतक की कोशिकाओं से निर्मित होता है। सो ये वाला जो पोर्शन है आपका वो क्या है, न्यूसेलस है, बीजांड काय है, राइट। अब देखिए इसके बाद आप क्या देखते हैं, बीजांड के, बीजांड काय के ऊपर ही एक दो टर्म है, जैसे एक वर्ड आता है पेरिस्पर्म या जिसे बोलते हैं परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म। हम देखते हैं कि जो बीजांड काय है उसका फंक्शन ये है कि वो विकासशील भ्रूणकोष को क्या कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे बीजांड काय का संपूर्ण भाग विकसित होते समय भ्रूण द्वारा उपयोग में ले लिया जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि भ्रूण के द्वारा, भ्रूण के विकास के अंदर सारा जो भ्रूणकोष है वो उपयोग में नहीं हो पाता है, परंतु हम देखते हैं कि कुछ बीजांडों में यह शेष रह जाता है भाग, कुछ एंजियोस्पर्म्स के ऐसे बीजांड होते हैं जिनके अंदर ये भाग क्या रह जाता है, शेष रह जाता है और बीज में उपस्थित रहता है। ऐसी स्थिति में इसे हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। वापस समझिएगा बात को मेरी, देखिए बीजांड काय एक मृदु ऊतक पोष ऊतक है, पोषक पदार्थ प्रदान करने वाला ऊतक है, इसका मतलब यह है कि भ्रूण के विकास में यह 100% काम में ले लिया जाएगा, लेकिन कुछ आवर्तबीजी पादपों के बीजांड के अंदर ये शेष रह जाता है और बीज के अंदर भी उपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में इसे परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहा जाता है।
मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। और इसके एग्जाम्पल है पाइपरेसी, पाइपरेसी फैमिली। पाइपरेसी फैमिली का मतलब है काली मिर्च। काली मिर्च, आप काली मिर्च जानते हैं जिसको ब्लैक पाइपर कहते हैं, ठीक। इसके अलावा जिंजीबरेसी, जिंजीबरेसी में आप देखते हैं हल्दी, आप देखते हैं अदरक, चुकंदर, हल्दी चुकंदर, आप इन सब के अंदर देखते हैं कि आपको क्या देखने को मिलता है, इनके अंदर परिभ्रूणकोश उपस्थित रहता है। ओके, नाउ ये वाले, इस वाले भाग के बाद क्या क्या हो गया, आपने देखा बाहर की तरफ इंटेग्यूमेंट हो गया, नीचे हाइलम हो गया, नीचे फनिकल हो गया, फिर हाइलम आ गया, उसके बाद न्यूसेलस आ गया, फिर रेफे आ गया, इसके अंदर वेस्कुलर कॉर्ड आ गई या वेस्कुलर स्ट्रैंड आ गया। कॉर्ड और स्ट्रैंड के बाद में अब आप क्या देखते हैं, इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। ये वाला जो भाग है, देखिए यहां पर, यहां पर ये वो वाला भाग है जहां पर एक नाल नुमा, एक नलिकाकार भाग होता है जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं होता, और इस स्थान को क्या कहते हैं, इस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है, बीजांड द्वार कहते हैं। दूसरी चीज यहां देखिए, ये वाला इस बीजांड, इसके ऊपर वाला, ये इसी की डायरेक्शन में जो ऊपर वाला भाग है, इस भाग को बोलते हैं निभाग, क्या कहते हैं इसे, निभाग। ये हो गया बीजांड द्वार और ये हो गया निभाग, ठीक है। और ये जो आपको अंदर, ये जो रेड कलर की, जो रेड कलर से जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये जो संरचना दिख रही है, इस संरचना को हम कहते हैं भ्रूण कोश। ये है भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये भ्रूण कोश जो होता है, इसी भ्रूण कोश को, इसी भ्रूण कोश को गुरु बीजाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस मेगा, एक प्रारूपिक जब हम बीजांड की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो बीजांड द्वार वाला क्षेत्र होता है, उस बीजांड द्वार वाले क्षेत्र की ओर, बीजांड द्वार वाले क्षेत्र की ओर तीन कोशिकाएं रहती हैं, इस तरह से तीन कोशिकाओं का समूह रहता है, जिनमें एक कोशिका जो होती है उसे तो अंड कोशिका कहते हैं, एग सेल कहते हैं, अंड कोशिका, एग सेल, यही मादा युग्मक है। इसके अलावा ये दो कोशिकाएं जो दिख रही हैं, इनको सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल, ठीक है। और इनको मिलाकर, इन सबको मिलाकर एक वर्ड काम में लेते हैं जिसे बोलते हैं अंड उपकरण, अंड उपकरण, एग एपरेटस। ये जो पूरा वाला भाग है, ये पूरा भाग, इसको एग एपरेटस कहते हैं। अब एक खास बात बताता हूं, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, इन सहायक कोशिकाओं में विशेष प्रकार की तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। विशेष प्रकार की तंतुनुमा संरचना पाई जाती है जिससे तंतु समुच्चय कहते हैं, और ये तंतु समुच्चय जो है फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं इसको, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है, तंतु समुच्चय मान लो। तो ये तंतु समुच्चय या उपकरण क्या करता है, पराग नलिका को बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से, पराग नलिका को बीजांड द्वार वाले सिरे से अंदर प्रवेश, भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करने में सहायता करता है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये तंतु रूपी समुच्चय है, तो या तंतु समुच्चय कहूं या तंतु रूपी समुच्चय कहूं, फिलीफॉर्म एपरेटस, तंतु रूपी समुच्चय या उपकरण, एक ही बात है, फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके,
इसका जो ऊपर निभाग वाला सिरा होता है, इस निभाग वाले सिरे पर भी इस प्रकार से तीन कोशिकाएं रहती हैं, और इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा भैया, इसकी जो सूत्र गुणिता है वो क्या है, n है, अगुणित है। इसकी सूत्र गुणिता भी कैसी है, n है। इसकी सूत्र गुणिता भी कैसी है, n है। इनके अलावा इसके मध्य में इस प्रकार के मध्य में इस प्रकार से दो केंद्रक पाए जाते हैं, इस प्रकार से मध्य में दो केंद्रक पाए जाते हैं, और इन केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और यह कोशिका जो है यह केंद्रीय कोशिका कहलाती है, केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल कहलाती है। ओके, इस तरह से यह जो पूरी संरचना है, यह पूरी संरचना एक प्रारूपिक प्रकार के बीजांड, मतलब कि एक कह सकते हैं प्रतीक प्रकार के या एनाट्रोपस प्रकार के बीजांड की संरचना है। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ें। थैंक यू।